हेलो पीपल। सो मैंने तुम्हें पिछली बार एक क्लिफ हैंगर पर छोड़ा था, जिसको मैं इस बार एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बहुत बारीक सी चीज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। तो मैंने बोला था एक्स की पार एक्स वन प्लस लॉग एक्स टी एक्स। ये क्वेश्चन हमें जब बुक्स में दिया हुआ होता है तो वो बोलते हैं कि एक्स की पार एक्स को टी मान लो, ठीक है, और फिर वो बोल देते हैं कि टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो लॉग ले लेते हैं बोथ साइड्स इस तरीके से, और फिर वो बोल देते हैं कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो फिर वो अपना वही जैसे जो ट्रिक है उसकी पूरी बैंड बजा के वो ऐसे बोल देते हैं, फिर उसको वो इसके अंदर डाल देते हैं, है ना। एक्स की पार एक्स क्या बन गया टी, है ना, और वन प्लस लॉग एक्स डी एक्स ये क्या बन गया डी एक्स बाई डी टी, है ना। तो फिर टी और डी कट गया, यानी कि वन को इंटीग्रेट करना है, दैट वुड बी सिंपली टी प्लस सी। तो आंसर आ गया एक्स की पावर एक्स प्लस सी। अब ये आंसर बिल्कुल सही आया यहाँ पे, ठीक है, पर एक्चुअल में यहाँ चल क्या रहा है वो मुझे समझना है, ठीक है, वही चीज मेरे को यहाँ पे समझनी है। तो एक्चुअल में अगर तुम इस क्वेश्चन को देखोगे तो ये एक जनरल फॉर्म ऑफ क्वेश्चन है, ये एक अलग ही टाइप का सब्सटीट्यूशन है, फोर्थ टाइप ऑफ सब्सटीट्यूशन। मैंने तीन टाइप बताया था, ये फोर्थ टाइप है। इसमें ऐसा होगा एफ जी एक्स, ये तो दिया हुआ ही होगा, साथ में ऐसा होगा फाइव डैश जी एक्स जी डैश एक्स डी एक्स। ये लंबा भयंकर क्वेश्चन, ये चीजें रखी है, ठीक है। अब इसमें हम करते क्या, हम बोलते हैं क्योंकि हमें जी एक्स दिखता है हर जगह, तो हम बोलते हैं जी एक्स को टी मान लो। जैसे मैंने बोला जी एक्स को टी मान लो, फिर वो बोलते हैं कि अब टेकिंग फाइव बोथ साइड, जैसे बोलते हैं ना टेकिंग लॉग बोथ साइड, वैसे हमने यहाँ बोल दिया जनरलाइज कर रहे हैं ना हम चीजों को, तो बोले टेकिंग फाइ बोथ साइड्स, तो फाइव जी एक्स और फाइव टी, ये सब किया जा सकता है अभी तक इक्वेशन में। फिर ट्रिक के हिसाब से वो बोल देते हैं कि डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड्स, तो चेन रूल से पहले क्या होगा फाइव डैश जी एक्स फिर जी डैश एक्स डी एक्स, फिर यह बन जाएगा फाइव डैश टी डी टी, राइट। बस तो ये जो पूरी चीज है, ये जो पूरी चीज है, ये बन गया, है ना। तो हैंड प्रूफ ये बन गया। और अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ देखा कि ये इतना सिंप्लीफाई हो गया, ये जो चीज है ये इतनी सिंप्लीफाई हो गई कि इसके बाद क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व हो गया। सो अल्टीमेटली मुझे प्रूव ये करना है कि ये जो चीज़ है ये एक्चुअल में इसके बराबर है, तो ऑटोमेटिकली ये पूरी चीज़ जस्टिफाई हो जाएगी कि हम टेकिंग, लाइक हम एक फंक्शन ले सकते हैं, लाइक अगर मैंने बोल दिया कि जी एक्स टी के बराबर है, तो तुम यहाँ पे बोल सकते हो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग साइन बोथ साइड्स, टेकिंग कुछ भी बोथ साइड्स, ठीक है ना। सो ऐसे करके उसके बाद डिफरेंशिएट कर सकते हो, वो भी हो जाएगा, ठीक है। अ वेरी इंटरेस्टिंग टूल। तो हमें एक्चुअल में दे क्या रखा है, हमें ये भयानक सी चीज़ रखी है, और हमें ये प्रूव करना है कि ये भयानक सी चीज़ इस चुन्नू के बराबर है, क्योंकि ये जो चुन्नू है ये सॉल्वेबल है, इसको किसी तरह हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व कर लेंगे, मतलब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा एक्सप्रेशन इससे। तो वही जैसे हम इतनी देर से करते हुए आए हैं, ये आई हमने इसको मान लिया है, तो अब मुझे आई को जो डिफरेंशिएट करना है वही मेन चीज़ है कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो अब तुम यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग गेम देखोगे तो तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या भयंकर लेवल का गेम खेला गया। ये है एफ जी एक्स, ठीक है, और क्या है फाइव डैश जी एक्स, और मैं अभी इसको आगे लेकर जनरलाइज कर दूंगा इनफिनिटी तक, एन एन तक के लिए। जी डैश एक्स डी एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ डी जी एक्स, ठीक है। अब फिर से आगे देखो, फिर से आगे देखो, मजा ही आ रहा, बहुत मजा आने वाला है, ध्यान से देखना इस चीज को, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, ये ध्यान से देखो। अगर मैं ये इसको अलग से देखूं तो क्या ये नहीं, ये यही लिखा हुआ है कि डी फाइव डैश जी एक्स, ओ सॉरी, ये लिखा हुआ है डी फाइव जी एक्स। कितने लोगों को ये फीलिंग समझ में आ रही है, देखो ऐसे समझो, जब मैं बोल देता हूँ कि जी डैश एक्स डी एक्स, इसको हम बोल देते हैं डी जी एक्स, इसका प्रूफ हम कर चुके हैं, ठीक है। कॉमन सेंस लगा के देखो ना, जी डैश एक्स डी एक्स बन गया, तो यहाँ पे एक्स की जगह पे चाहे टी ले लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और टी की जगह पे तुम कुछ और डाल दो, तो मान लो मैंने टी की जगह पे कोई और नया फंक्शन डाल दिया, मान लो मैंने डाल दिया क्यू एक्स, तो ये किसके बराबर हो जाएगा डी जी क्यू एक्स, ठीक है। तो बस यहां पे जो दे रखा है वो ये दे रखा है कि फाइव डैश जी एक्स डी जी एक्स, तो ये बराबर हो जाएगा डी फाइव जी एक्स के, ठीक है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये इन्फिनिटी तक जा सकता है, लोग समझ गए होंगे कि ये तो एन तक जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है, है ना। तो ये चीज एक्चुअल में किसके बराबर है, ये चीज एक्चुअल में बराबर है इंटीग्रेशन एफ जी एक्स डी फाइव जी एक्स के। अच्छा, मैंने पहले लिख दिया था, कोई बात नहीं। तो ये चीज तो हमारी प्रूफ हो गई, दैट मीन्स कि मेरा जो आई है वो एक्चुअल में ये है, जो मुझे दिया हुआ था ना इतना ऊपर लंबा सा, वो एक्चुअल में ये इसके बराबर है। तो अब तो बस प्रूव हो गया, कैसे भाई, आई को डिफरेंशिएट कर लो इसके इसके रिस्पेक्ट में, तो क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा एफ जी एक्स, है ना, इसके रिस्पेक्ट में आई को डिफरेंशिएट करोगे तो सिर्फ यही तो आएगा, क्योंकि ये तो डी में है ना, ठीक है। फिर ये जो चीज है डी फाइव जी एक्स, इसको डिफरेंशिएट करो टी के रिस्पेक्ट में। अब ये जो फाइव जी एक्स है, मैंने जी एक्स को क्या बोला है, मैंने जी एक्स को ही टी बोला है, तो ये तो फाइव टी लिखा हुआ है, यानी कि आंसर कितना हो गया फाइव डैश टी, बस हैंस प्रूफ। कैसे, अब मुझे आई के रिस्पेक्ट में निकालना है, सॉरी टी के रिस्पेक्ट में आई को निकालना है, दैट वुड बी डी आई डी फाइव जी एक्स इंटू डी फाइव जी एक्स बाय
डी टी, दैट इज यहाँ पे क्या आ जाएगा ये, यानी कि एफ जी एक्स यहाँ पे क्या आ जाएगा फाइ डैश टी। हेंस प्रूव कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ जी एक्स फाइ डैश जी एक्स जी डैश एक्स डी एक्स, ये जो मुझे दे रखा था ये एक्चुअल में बराबर है इंटीग्रेशन ऑफ एफ जी एक्स फाइ डैश टी डी टी के। और अब मैं यहीं पे तुम्हें एक और बढ़िया चीज़ बता देता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ, मैं तुमसे बोलता हूँ एच वन, ठीक है, एच वन नहीं, पहले मैं अपना फाइव वाला दिखा देता हूँ जो हमारे सामने देखा था ना एफ जी एक्स, और यहाँ क्या था, यहाँ था फाइव डैश जी एक्स जी डैश एक्स डी एक्स, ये था राइट। इससे हम क्या सीखते हैं कि ये बेसिकली एक के अंदर ही जाया जा रहा है, ठीक है, तो इसी को तो हम आगे भी बढ़ा सकते हैं ना यार, ठीक है, ये था, तो ये क्या बन जाएगा, ये पूरी चीज क्या बन जाएगी, डी के अंदर फाइव जी एक्स। ये कोई बहुत अच्छा एडवांस लेवल का थियोरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है, उसी का तुम्हें मैं एक तरीके का बेस बना रहा हूं यहां पे, ठीक है। अब क्या बन सकता है इसके आगे, इसके आगे बन सकता है मान लो कोई इस टाइप से, और यहां दे दिया एफ जी एक्स, ठीक है। अब मैं तुम्हें ये दे रहा हूं, तो अगर तुम इसको भी देखोगे तो इसमें क्या होगा, पहले जी एक्स अंदर जाएगा तो वो बना देगा डी जी एक्स, और फिर यह बन जाएगा, फिर ये जो पूरी चीज है ये इसके साथ मिलेगी तो बना देगी डी फाइव जी एक्स, समझ रहे हो, फिर ये जो ये वाली चीज है और ये वाली चीज सेम हो गई, तो अब ये फाइव अंदर चला जाएगा तो बन जाएगा डी फाइव ठीक है, थोड़ी एडवांस लेवल चीज़ हो गई है, मेरे हिसाब से थ्योरी में मुझे नहीं करानी चाहिए थी, ठीक है, मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग फिर से करा दूंगा डोंट वरी, ठीक है, तो ये ऐसा बन जाएगा। ऑलराइट, तो यही थी बस कहानी पूरी। सो पॉइंट इज कि ये जो क्वेश्चन मुझे दे रखा था इसमें हम ऐसे बोलते हैं, अभी के लिए तुम बस ये समझ गए कि फोर्थ टाइप का जो सब्स्टिट्यूशन है वो ये है कि तुम्हें कोई गंदी सी चीज़ दे रखी है, तुमने उसको टी बोला है ना, उसमें कोई पार्ट को टी बोल दिया, तो तुम टेकिंग कोई फंक्शन तुम ले सकते हो बोथ साइड्स, और उससे हमारा ये हो जाएगा, इसको भी हमने प्रूव कर दिया, एंड बाय दिस द सब्स्टिट्यूशन टेक्निक इज कंप्लीट, ठीक है। सो दैट वाज द फोर मेथड्स जो कि हम पूरे प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज करेंगे अपने कोर्स में, ठीक है, तो अच्छे से इनको समझ लो, चाहो तो दोबारा देख लो, और आई गेस तुम्हें समझ में भी अच्छे से आ गया होगा, प्रैक्टिस भर के करेंगे, मतलब भर भर के करेंगे, तो डोंट यू वरी। ऑलराइट, सो अब नेक्स्ट टॉपिक जो है, बस वो एक छोटा सा टॉपिक है कि क्या हर फंक्शन को इंटीग्रेट किया जा सकता है, ठीक है, इंटीग्रेबिलिटी बोलते हैं उसको, जैसे हमने डिफरेंशिएशन पहले पूरा पढ़ा था कि ये तरीका वो तरीका ऐसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, फिर हमने क्या पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन तो सीख लिया, अब क्या हर फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जा सकता है, उसको हमने नाम दिया था डिफरेंशिएबिलिटी, तो वही अब हम करने वाले इंटीग्रेबिलिटी, ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट में करेंगे, छोटा सा टॉपिक है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं क्योंकि ये एक्चुअली हायर मैथ्स का पार्ट है, ये काम करता हूं मैं इसी में करा दूंगा, नहीं अगले में कराएंगे, चलो बाय।